नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 2017 में आपसे पूछा गया है, एसएससी जेई 2017 में आपसे पूछा गया है सिंपल ब्रेटॉन साइकिल से, ठीक है, यानी कि गैस टरबाइन से। क्वेश्चन पढ़िए मैं लेके आए, एन एयर स्टैंडर्ड ब्रेटॉन साइकिल हैज एयर इंटरिंग द कंप्रेसर एट 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सी। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है कि प्रेशर P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सी, यानी कि 300 केल्विन। आगे आपसे बोल रहा है कि द प्रेशर रेशियो इज 10, यानी कि आरपी की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 10 एंड मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर इज 1350 केल्विन। मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर आपका क्या होगा जब टी एन डायग्राम आप बनाओगे, यानी कि T3 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक, ये क्या होगी आपकी T3 की वैल्यू, ठीक, T3 की वैल्यू। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट, ठीक, यानी कि सभी पॉइंट पे आपको, सेलियंट पॉइंट पे आपको टेम्परेचर निकालना है। सेकेंड है आपका कंप्रेसर एंड टर्बाइन वर्क पर यूनिट मास पे निकालना है, ठीक है, कंप्रेसर के द्वारा, कंप्रेसर पे कितना वर्क हो रहा है, ठीक है, टर्बाइन के द्वारा कितना वर्क हो रहा है उसको आपको पर यूनिट मास पे निकालना है। डब्ल्यू नेट निकालना है, नेटवर्क निकालना है, ठीक है, तीसरा एंड वर्क रेशियो, ठीक, चौथा है आपका थर्मल इफिशियंसी आपकी बतानी है, कितनी थर्मल इफिशियंसी इस साइकिल की होगी। पांचवा आपको निकालना है स्पेसिफिक एयर कंजप्शन इन इन केजी किलोवाट आवर, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे भी, ठीक। लास्ट है आपका कि ये बोला जा रहा है कि अगर परफेक्ट रीजनरेटर हो, ठीक है, अगर रीजनरेटर जो आपका है उसकी इफिशियंसी अगर 100% है, यानी कि आइडियल रीजनरेटर है, तो कितनी इफिशियंसी होगी, ठीक है, इसके बारे में आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाफट टीएफ डायग्राम देखेंगे, उसके बाद गिवन डाटा देखेंगे, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक, स्टेप बाय स्टेप हम यहां पे करते हुए चलेंगे, क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन में कुछ कोई दम नहीं है, ठीक है, देखिए टीए डायग्राम आप बनाइए पहले, टीए डायग्राम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है, तो 1 to 2 ये क्या होता है आपका, देखो जो ब्रेटॉन साइकिल होती है ये आपकी क्या होती है, दो आपके रिवर्सल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं और दो क्या होते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, तो 1 to 2 आपका क्या है रिवर्सल एडियाबेटिक कंप्रेशन, उसके बाद 2 to 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडक्शन, हीट एडिशन यानी कि, और 3 to 4 आपका आइसेंट्रॉपिक यानी कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक, यानी कि यहां पे टर्बाइन है, यहां पे कंप्रेसर है डब्ल्यू सी, और ये क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक, इंटरकूलिंग, क्लियर। तो देखिए आपको दिया क्या हुआ है कि T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सी, ये हो जाएगा आपका केल्विन में 300 केल्विन, ठीक है, P1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, P1 की वैल्यू आपको दिया है यहां पे 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, ठीक। आरपी की वैल्यू यानी कि प्रेशर रेशियो, आरपी इज इक्वल टू क्या होगा आपका P2/P1 इज इक्वल टू 10, ठीक, एंड T3 की वैल्यू आपको दिया है 1350 केल्विन मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा होगा, यही तो होगा ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही है T3, ठीक, 1350 केल्विन, क्लियर, ठीक। अब देखिए पहले में आपसे पूछा गया है कि सेलियन पॉइंट पे टेम्परेचर आप निकालिए, देखो 1 पे पता है आपको, 3 पे पता है, यानी कि T2 और T4 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो प्रोसेस 1 to 2 देखिए आपका कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए आपका क्या होगा T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू द पावर ऑफ गामा -1/गामा,
ठीक। तो टी टू दिस इंप्लाइज दैट टी टू इज इक्वल टू टी वन, टी वन की वैल्यू आप रखते जाइए 300, टी टू अपॉन टी वन कितना है 10 टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन, यानी कि 1.4 माइनस वन अपॉन 1.4। तो टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टू इज इक्वल टू यहाँ पे आप कैलकुलेटर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 579.2 केल्विन, ये हो जाएगी आपकी टी टू की वैल्यू। ठीक, अब देखिए 1 to 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक, तो ये आपको एक रिलेशन पता होगा कि टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्या होता है टी थ्री अपॉन टी फोर। ठीक, अब यहां पर देखिए टी टू अपॉन टी वन, टी टू और टी वन की वैल्यू पता है, टी थ्री की वैल्यू आपको पता है 1350, तो यहां से आप निकाल सकते हो टी फोर की वैल्यू, टी फोर इज इक्वल टू टी थ्री इंटू टी वन अपॉन टी टू। तो टी थ्री की वैल्यू आपकी कितनी है 1350 इंटू टी वन की वैल्यू आपकी, टी वन की वैल्यू 300 और टी टू वैल्यू भी आई है 579.2। ठीक, इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी, ये वैल्यू आएगी 699.22 केल्विन, 699.22 केल्विन। क्लियर? ठीक, तो पहला आपका फर्स्ट आंसर यहां पे हो गया, यानी कि टी टू और टी फोर की वैल्यू आपने यहां पे फाइंड आउट कर ली है। ठीक, सेकंड आपको क्या निकालना है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना था कंप्रेसर वर्क और टर्बाइन वर्क। ठीक है, देखिए कंप्रेसर किस पे कहां पे है 1 to 2 प्रोसेस पे, टर्बाइन कहां पे 3 to 4 पे। ठीक है, तो कंप्रेसर वर्क पर यूनिट केजी क्या होगा आपका डब्ल्यू सी इज इक्वल टू H2 - H1, यही तो है ना H2 - H1। अब देखिए H2 - H1 का मतलब क्या हुआ CP T2 - T1। ठीक, क्लियर? तो ये CP की वैल्यू क्या है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक, T2 की वैल्यू आपकी आई है अभी कितनी 579.2 माइनस T1 की वैल्यू आपके पास है 300। ठीक है, फटाफट वैल्यू आपको रखनी है, आंसर आपका फटाफट आएगा डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 280.59 किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन जब निकालोगे आप, डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन ये क्या होगा आपका H3 - H4 इज इक्वल टू ये होगा CP T3 - T4। ठीक, तो WT इज इक्वल टू ये हो जाएगा CP 1.005, T3 की वैल्यू आपकी कितनी दी है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया हुआ 1350 माइनस T4 की वैल्यू अभी आपकी आई है 699.22। ठीक, इस वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे आप तो ये आएगी 654.03 किलो जूल पर केजी। ठीक, ये आपका पर यूनिट मास पे आ रहा है। ठीक, किलो जूल पर केजी क्यों आ रहा है, क्योंकि H3 और H4, ठीक है, ये क्या है आपके स्पेसिफिक एंथैल्पी है। ठीक है, यानी कि एंथैल्पी पर यूनिट मास। ठीक, क्लियर? तो दो हो गए यहां पे आप, सेलियंट पॉइंट आपने टेम्परेचर निकाल लिया, WC और WT की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तीसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा बहुत ही आसान है, नेटवर्क पूछा जा रहा है और वर्क रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए थर्ड पूछा गया आपसे W नेट बताइए। ठीक है, W नेट क्या होगा आपका WT - WC
टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, ठीक। तो टर्बाइन का वर्क कितना आया था 654.03 माइनस कंप्रेसर वर्क कितना आया है 280.59, ठीक। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 374.03 किलो जूल पर केजी डब्लू यूनिट, ठीक। ये आपका आंसर, ठीक। आपसे इसी में पूछा गया है वर्क रेशियो बताइए, वर्क रेशियो डब्ल्यू आर, ठीक। वर्क रेशियो डब्ल्यू आर आपका क्या होता है, नेटवर्क अपॉन वर्क डन बाय टर्बाइन, ठीक। तो नेटवर्क आपका कितना आया है 374.03 अपॉन डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन, डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन आपकी कितनी आई है 654.03, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.5718, ठीक। इतना वर्क रेशियो होगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि बैक वर्क रेशियो बताइए, ठीक है, क्या बताइए, बैक वर्क रेशियो, ठीक। तो बैक वर्क रेशियो आपका क्या होता है बेटा, कि निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क, ठीक है, निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, कंप्रेसर का वर्क, ठीक, और पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, टर्बाइन का वर्क। यानी कि डब्ल्यू ऑफ सी अपॉन डब्ल्यू ऑफ टी, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक, अगर बैक वर्क रेशियो पूछा जाता तो, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले। तो ये तीन आपके तीन सोल्यूशन हो गए, 1, 2, 3। चौथा आपसे पूछा गया है इफिशियंसी, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हो। देखो इफिशियंसी आप दो तरीके से निकाल सकते हो, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इफिशियंसी के फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए आरपी टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। आरपी की वैल्यू दिया हुआ है, गामा की वैल्यू 1.4 रखिए, यहां से फट से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपका है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक, आउटपुट आपका क्या है डब्ल्यू नेट, यहां से आप निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों फार्मूले से आप निकालोगे तो इस नीटा की वैल्यू, ठीक है, इस नीटा की वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी 0.482, यानी कि नीटा इज इक्वल टू 48.2%, ठीक। देखिए इसमें तो आपको आरपी दिया हुआ 10, ठीक है, डब्ल्यू नेट आपका आ चुका है, क्यू एस हीट सप्लाई कहां पे हो रही है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। इस हीट सप्लाई की वैल्यू होगी, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका H3 - H2, ठीक है, हीट सप्लाई यही होगी ना, H3 - H2, यानी कि सीपी T3 - T2, T3 की वैल्यू आपको पता है T2 / 2 पता है, CP की वैल्यू आप जो है 1.005 रखिए, ठीक है, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे आप सारी वैल्यू आपको पता है, फट से आप निकाल दीजिए, ठीक। तो नीटा की वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट पूछा गया है पांचवा, थर्मल इफिशियंसी, पांचवा आपसे पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया है। फिफ्थ आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक एयर कंजप्शन, स्पेसिफिक एयर कंजप्शन, या इसी को बोला जाता है एयर रेट, एयर रेट, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए ये होता क्या है। देखिए स्पेसिफिक एयर कंजप्शन जो होता है, ये होता है कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर टू प्रोड्यूस 1 kW ऑफ पावर, ठीक, यानी कि स्पेसिफिक एयर कंजप्शन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन पावर,
पी, ठीक है। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर, पावर क्या होगा आपका, पावर, पावर देखो ये होगा आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू डब्ल्यू नेट, ठीक है, डब्ल्यू नेट। अब देखिए डब्ल्यू नेट जो आपका होगा ये किसमें होगा, किलो जूल पर केजी में, ठीक है, किलो जूल पर केजी में। मास फ्लो रेट किसमें होगा आपका, केजी पर सेकंड में, ठीक। ये देखिए ना, ये होगा इसमें किलो जूल पर केजी में, ठीक, और मास फ्लो रेट किसमें होगा, केजी पर सेकंड में। तो केजी कैसे कैंसिल, किलो जूल पर सेकंड, ये आपका किसमें हो जाएगा, किलोवाट, यानी कि पावर की यूनिट, क्लियर है ना, ठीक। तो यहां से आपका क्या होगा, ये मास फ्लो रेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक एयर कंजप्शन इज इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू नेट, ठीक। लेकिन ये जो डब्ल्यू नेट की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये जब जो डब्ल्यू नेट की वैल्यू आएगी, सॉरी, ये जो स्पेसिफिक एयर कंजप्शन की जो वैल्यू आएगी, ये होगी आपकी किलो जूल पर केजी सेकेंड, सॉरी किलो जूल नहीं, केजी पर किलो जूल सेकेंड, ठीक। लेकिन आप देखिए, आपसे पूछा किसमें गया है कि केजी पर किलोवाट आवर में बताइए, ठीक है, नहीं, ये इसकी यूनिट होगी आपकी किलो, केजी पर किलोवाट सेकेंड, ठीक है, केजी पर किलोवाट सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा गया था इसकी यूनिट होगी ये, ठीक है, वन अपॉन डब्ल्यू नेट की, ठीक है, निकाल के देख लेना, केजी पर किलोवाट सेकेंड, ठीक, क्लियर है ना। आपसे पूछा गया है केजी पर किलोवाट आवर में बताना है आपको, ठीक है। तो जब इसको आवर में आप कन्वर्ट करोगे तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक। तो 3600 सेकंड से क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3600 अपान डब्ल्यू नेट, ठीक। अब ये होगा केजी पर किलोवाट आवर, ठीक है, केजी पर किलोवाट आवर। तो ये हो जाएगा आपका 3600 डिविजन बाय डब्ल्यू नेट की जो वैल्यू आई थी, डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी आई थी, 374 374.03। तो ये हो जाएगा आपका 9.624 केजी पर किलोवाट आवर, केजी पर किलोवाट आवर, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अगर जो रीजनरेशन प्रोसेस करते हैं ब्रेटॉन साइकिल में, अगर उसकी इफेक्टिवनेस 100% हो जाए, ठीक है, यानी कि जो रीजनरेटर आपने लगाया है वो आपका आइडियल हो जाए, ठीक, तो जो इफिशियंसी होगी उसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा, ठीक। तो देखिए रीजनरेटर के केस में ये आपका 6 है, रीजनरेटर के केस में जो इफिशियंसी का फार्मूला होता है नीटा इज इक्वल टू, ये होता है आपका 1 - T1/T3 RP टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1/गामा। 100% के लिए है नीटा आइडियल के केस में, नीटा आइडियल के केस, ठीक। तो इसमें आपको सारी की सारी वैल्यू पता है, 1 - T1 की वैल्यू कितनी है, 300, T3 की वैल्यू कितनी है, 1350, RP 10 है, ये हो जाएगा 1.4 - 1/1.4, ठीक। तो नीटा आइडियल ये हो जाएगा आपका 57.03%, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि पहले इफिशियंसी आपकी कितनी थी, 48.2%, अब आइडियल इफिशियंसी कितनी आ रही है, 57.03%,
परसेंट, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल फॉर्मूले में बेहतर था। अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, ब्रेटॉन साइकिल के बारे में आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते थे। ठीक है, देखिए ये पावर प्लांट का, ठीक है, पावर प्लांट में ये दो तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक, पावर प्लांट की जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं आपसे 2007 से लेकर के 2017 तक के जितने भी आपके प्रॉब्लम आए हुए हैं, ये सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे थ्योरी से पूछे गए हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन में क्या फर्क होता है, ठीक है, बॉयलर के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कंप्लीट थ्योरी मैं अपने फेसबुक आईडी पे BK यादव, ये हमारी फेसबुक आईडी है, इस आईडी पे मैं कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका पावर प्लांट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक, आपका एग्जाम 29 दिसंबर को है, मुझे पता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, 10 दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।